आई हूँ ये टोटली बेस्ड ऑन वर्कशीट है। आप इन वर्कशीट को घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में से पेरेंट्स ने दो क्वेश्चन किए हैं कि मैम हमारा बच्चा जब स्टडी करता है खासकर रिटर्न वक्त तो वो थोड़ी देर के लिए बैठता है उसके बाद उठ जाता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आज वर्कशीट बनाई है और आप लोगों के साथ मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जो आप लोगों के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन पेरेंट्स ने ये किया है कि मैम आप जल्दी जल्दी वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। मैं नेक्स्ट टाइम अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो जल्दी जल्दी बनाऊँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ। अब मैं ये अपनी वर्कशीट दिखाने जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों तक मेरा नेक्स्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच पाए। आप जब बच्चे को रिटर्न वर्क करवाएं उस वक्त आप कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं और कौन कौन सी वर्कशीट बना सकते हैं आज मैं इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करनी होगी। फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने किसी कारण मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप फाइन मोटर स्किल्स की मेरी वीडियो देख सकते हैं। फाइन मोटर स्किल्स आप बच्चे की किस तरह डेवलप कर सकते हैं, आपको मार्केट से इस टाइप की एक्टिविटी सैंड मिल जाती हैं, आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं और बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो बहुत ही छोटे छोटे आपको इस तरह के ग्लिटर फंडो मिल जाएंगे, आप मार्केट से ये ले सकते हैं और बच्चा इनसे अपनी फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कर सकता है। सेकंड, आपको ड्राइंग बुक लेनी होगी। अगर आप ड्राइंग बुक नहीं लेना चाहते तो आप सिंपल कोई भी पेपर ले लीजिए और बच्चे को वैक्स कलर दीजिए और बच्चे को कहिए कि बेटा इस पेपर के ऊपर आप इस वैक्स कलर को चलाओ। बच्चे को ऐसे फ्री हैंड चलाने दीजिए जैसे उसका मन करे और जो कलर वो चाहे उसको करने दीजिए। वो इसको ऊपर नीचे कहीं भी करे उसको करने दीजिए, उसको बार बार रोकिए नहीं, टोकिए नहीं। आपने ये कम से कम 3 डेज 4 डेज बच्चे को करने के लिए देना है। सेकंड वर्कशीट, जब आप बच्चे के लिए बनाएं तो आप बिग सा सर्कल बनाएं और उस बच्चे को कहें कि बेटा इसके अंदर कलर करो। कलर आप कोई भी उस बच्चे को दे सकते हैं। ये जो सर्कल है हमारा बनाने का मेन पर्पस ये है कि अभी तक बच्चा फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा था फर्स्ट वर्कशीट में, सेकंड वर्कशीट में हम उसको एक लिमिट एरिया में बांध रहे हैं, उसको ऐसे कलर करने दीजिए। थर्ड वर्कशीट, आप इस तरह की वर्कशीट बना सकते हैं और बच्चे को आप कहिए कि बेटा इसके अंदर कलर करो। अभी आपने देखा सेकंड वर्कशीट के अंदर बच्चे को हमने बिग सर्कल दिया था, अब थोड़े स्मॉल सर्कल हैं, हम बच्चे को बिग से स्मॉल में कलर करना सिखा रहे हैं। फोर्थ वर्कशीट, इस वर्कशीट के अंदर आप बच्चे को स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व लाइन और सर्कल इस तरह के डॉट लगा कर दीजिए और बच्चे से इसके ऊपर ट्रेस करने के लिए कहिए। इस तरह आपका बच्चा भी ट्रेस कर लेगा जैसे मैं कर रही हूँ। आप उसकी 1 डेज 2 डेज हेल्प करिए, उसके बाद वो बच्चा धीरे धीरे खुद ट्रेस करना सीख जाएगा। इस तरह आप ये ट्रेसिंग वाली वर्कशीट कंप्लीट करा सकते हैं।
नेक्स्ट वर्कशीट आप बच्चे को मैचिट की दीजिए और यहाँ पर कुछ पिक्चर बनाकर दीजिए जैसे मैंने बनाई है। ज़रूरी नहीं है आप यही पिक्चर बनाएं, आपसे जो पिक्चर इजी बन पाए आप वो बनाइए। अब हम बच्चे को इन पिक्चर को रिकॉग्नाइजेशन करा देंगे, बच्चे को हम इन पिक्चर को पहचान करवा देंगे और इन लेटर्स को भी हम बच्चे को ओरल में लर्न करा देंगे। उसके बाद हम बच्चे से कहेंगे आपको मैच इट करना है, जैसे L फॉर लैम्प, L, L को L से बच्चा मिलाएगा, E फॉर इरेजर, इरेजर से मिला देगा E से, और I फॉर इंक पॉट, इंक पॉट को I से मिलाएगा, T फॉर टॉप, टॉप को T से मिलाएगा। इस तरह की आप बच्चे को मैच इट वाली कम से कम 3 डेज 4 डेज डिफरेंट वर्कशीट दीजिए और उसे मैच इट करवाइए। जब आपका बच्चा मैच इट कर ले, कलर कर ले और ट्रेसिंग कर ले, उसके बाद आप इस तरह की वर्कशीट बनाइए। आपको क्या करना है, इस तरह के स्टैंडिंग लाइन वाले बॉक्स बनाने हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर। जब आप ये बना लें तो बच्चे को आप कहिए कि बेटा इसके अंदर स्टैंडिंग लाइन बनाओ। इस वर्कशीट में आप देख रहे होंगे यहाँ कोई ट्रेसिंग लाइन नहीं है, कोई डॉट नहीं लगा हुआ, बॉक्स बने हुए हैं। आप भी इस तरह के बॉक्स बनाइए और बच्चे को इसके अंदर स्टैंडिंग लाइन बनाने के लिए कहिए। जैसे मैं इसके अंदर स्टैंडिंग लाइन बना रही हूँ, ठीक ऐसे ही आपका बच्चा भी बना लेगा। ये आप पेंसिल से भी बनवा सकते हैं और वैक्स कलर से भी बनवा सकते हैं, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो। आप स्टार्टिंग में बच्चे को वही चीज़ दीजिए जो वो इजी से कैरी कर पाए, इजी से चला पाए। इस तरह ये आप वर्कशीट करा सकते हैं। आप जब स्टैंडिंग लाइन की वर्कशीट करवा लें, उसके बाद बच्चे को स्लीपिंग लाइन की वर्कशीट दीजिए। फिर हम बच्चे से कहेंगे बेटा इसके अंदर स्लीपिंग लाइन बनाओ। जैसे मैं बना रही हूँ, ठीक ऐसे ही आपका बच्चा भी बना लेगा। विदाउट डॉट दीजिए, इसी तरह के आप बॉक्स बनवाइए। ये बॉक्स थोड़े बिग रखिए ताकि बच्चा अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा या ऊपर नीचे करना चाहे तो वो इजी से स्लीपिंग लाइन बना पाए। जब बच्चा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन की वर्कशीट 2-3 डेज कर ले, उसके बाद आप बच्चे को L फॉर लायन बनाने के लिए दीजिए। आप देख सकते हैं स्टैंडिंग लाइन देन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन देन स्लीपिंग लाइन। इस तरह हम बच्चे से L फॉर लायन बनवा सकते हैं। ये गैप मैंने थोड़ा बिग इसलिए रखा है कि बच्चा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी लाइन चलाएगा तो उसको मुश्किल ना हो, वो इजी से कर पाए। अब आप बच्चे से L, I, T, H, E, F ये अल्फ़ाबेट्स बनवा सकते हैं, क्योंकि हमने बच्चे को स्टैंडिंग लाइन में, स्लीपिंग लाइन में इतना परफेक्ट कर दिया है कि बच्चा इन वर्ड को बहुत इजी वे में और बहुत कम समय में बना सकता है, क्योंकि L, I, T, H, E, F ये सारे अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो कि स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन की हेल्प से बनने वाले हैं। आप कम से कम 10 डेज बच्चे को L, I, T, H, E, F की प्रैक्टिस करवाइए और बच्चे के हाथ को परफेक्ट होने दीजिए। L, I, T, H, E, F।
आप इस तरह की वर्कशीट बच्चे को बनाकर दीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका बच्चा रिटर्न में आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है और रिटर्न वर्क को बहुत इजी से कर पा रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।